हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम देखेंगे वॉरशेल एल्गोरिदम। जो हमने लास्ट सेशन में इसके स्टेप्स देख लिए थे, हम इसके साथ अब सम को सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है जो आपको पूछा जाता है। जब हम ट्रांजिटिव क्लोजर निकाल रहे थे तो हमें सिंपल वे से वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा था। अगर छोटा टर्म है जो हमारा सेट दिया है ए, अगर वो छोटे एलिमेंट्स के साथ है, जैसे कि चार ही एलिमेंट है उसके अंदर, पांच ही एलिमेंट है, तो चीजें इजी हो जाती है। लेकिन अगर उसके अंदर मेरे पास छह एलिमेंट है, सात एलिमेंट है या फिर ज्यादा एलिमेंट है, तब उसको सॉल्व करना थोड़ा कंपैरेटिवली टफ हो जाता है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वी हैव वॉरशेल एल्गोरिदम। वॉरशेल एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसे यूज करके हम ट्रांजिटिव क्लोजर को काफी इजिली निकाल सकते हैं सिर्फ बोलने के लिए। लेकिन सॉल्व करते टाइम ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, बिकॉज यहाँ पे हमें चीजों को सारे वे से अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि फाइंड द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर, हमें रिलेशनशिप भी निकालनी पड़ेगी इसके अंदर बाय वॉरशेल एल्गोरिदम, वेर ए, ए की वैल्यू क्या दी है लिख लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। छह एलिमेंट दिए गए, मतलब मेरा एन कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। अगर मेरा n 6 है तो वॉरशेल एल्गोरिदम का स्टेप क्या कहता है, इफ योर n इज इक्वल टू 6 दैट मींस यू नीड टू गो टिल 6, w ऑफ 6। हम वॉरशेल को डिनोट कैसे करते हैं, w से, मतलब हमें इस पर्टिकुलर सम में कहां तक जाना है, w0, w1, w2, w3, w4, w5 एंड w6, हमें यहां तक जाना है। जहां पे जो ये w ऑफ 0 विल बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपको w ऑफ 0 स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना, एक मैट्रिक्स है तो वहां पे हम किससे स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप से। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जहां पे अगर कंडीशन सैटिस्फाई होती है तो 1 आता है, अगर कंडीशन फेल हो गई, फॉल्स हो गई, तो वहां पे 0 आ जाता है। ठीक है, अब कंडीशन देखो, आपको यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए क्या दी गई है, यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा x-y = 2। यहाँ पे जो पर्टिकुलर सम है आपको क्लियर दिख रहा होगा, x-y = 2। इस हिसाब से हम ये पर्टिकुलर कंडीशन को लेके सम को सॉल्व करने वाले। ठीक है, अब अगर वेरिएंट इसकी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वेरिएंट की बात करो तो दे माइट आस्क यू, ये देखो x-y = 2, ये दो अलग अलग समय अपोजिट ने अलग अलग समय, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये पैरेंथेसिस है और ये मॉड्यूलस है। जब मैं पैरेंथेसिस की बात करूंगी तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, x-y मतलब x will be बड़ा and y will be छोटा, will be equals to 2, right? जब मैं modulus की बात करती हूँ तो x and y की value पे फर्क नहीं पड़ता, x can be छोटा also, अगर मैं ये वाला value भी ले रही हूँ, 1-3 भी ले रही हूँ, तो भी मुझे value क्या आने वाली है, modulus होने की वजह से I will get it to be equals to positive of 2। तो ये दोनों जो question है हमें, ये अलग question है, ये अलग question है, क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपलर है, तो ये आपको हो सकता है कम मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए आ जाए, और ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है तो माइट बी की आपको 6 मार्क्स के लिए आए। ठीक है, दोनों में फर्क है, कोई और क्वेश्चन भी आता है x-y = 12 या जो भी, सॉरी x+y = 12, जो भी आपको वैल्यू आती है तो मेक श्योर कि आप इसको सही वे से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, हम किसको लेके सॉल्व करने वाले, x-y किसको लेके कर रहे हैं, x-y = 2, पैरेंथेसिस के साथ हम वर्क कर रहे हैं, दैट मींस आर एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई, हमें ये चीज को ध्यान देना, इक्वल्स टू तो ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, वो तो फेल हो जाएगा कंडीशन, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर ध्यान देके सॉल्व करते हैं। तो देखो रिलेशनशिप को हम लिखेंगे सबसे पहले, तो ऐसी कौन सी कंडीशन बनेगी जहां पे ये चीज सेटिस्फाई होगा, तो सबसे पहले हम ओरिजिनल रिलेशन का कंप्लीट सेट लिख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो एक एक एलिमेंट के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 6 and 6, 6। इतने रिलेशन बनेंगे, एंड इसके अलावा हम जो वो इनवर्स वाला चीज लिखते हैं आर इनवर्स, वैसे भी हम इसको लिख के कर सकते हैं। जैसे कि इसका इनवर्स क्या होगा, हमारे पास 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, वो भी पॉसिबिलिटी बनती है ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन। अब देखते हैं कहां पे हमारी कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, हमारी कंडीशन जो 2 के लिए चाहिए वो यहाँ पे सैटिस्फाई होगी,
हम मॉड के लिए बात करें एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, इसके लिए प्रेजेंटली बात करेंगे, देन हम हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। और कहां पे पॉजिटिव, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, आप नोटिस करोगे ये जो पर्टिकुलर लाइन है यहाँ पे कंप्लीटली आपको वैल्यू कितनी आने वाली है, टू आने वाली, ठीक है। तो अब देखो इसी कंडीशन में इसका रेसिप्रोकल भी, मैं इनवर्स भी मैंने आपको लिखने बोला, तो इसका इनवर्स लिख लो, तो 3, 4, 2, 5, 3 and 6, 4 ये हो गया। मतलब हमारा जो फाइनल रिलेशनशिप बनेगा फॉर मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, उसमें ये चार एलिमेंट्स के साथ साथ ये चार एलिमेंट्स भी आएंगे, आपको ये चारों एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। जब मैं बात कर रही हूँ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, जिसमें कंडीशन क्या है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन फोर और एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ ये वाला जो हमें दिख रहा है ना ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, सिर्फ वही हमारा सेट में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कंडीशन फेल हो रही है, ऑफ कोर्स 1 माइनस 3 इज माइनस ऑफ 2, 2 माइनस 4 इज माइनस ऑफ 2, 3 माइनस 5 इज माइनस ऑफ 2 एंड 4 माइनस 6 इज माइनस ऑफ 2, हमारी ये जो कंडीशन इन्होंने दी है वो फेल हो जाएगी, हमें वो चीज चाहिए नहीं, तो हम इसका रेसिप्रोक इनवर्स इनवर्स निकाल रहे हैं। 3 माइनस 1 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2, 5 माइनस 3 इज 2, 6 माइनस 4 इज 2। अब हम किसके साथ वर्क करेंगे, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है उसके साथ वर्क करें। अगर आप मॉड्यूलस लेके कर रहे हो तो ये चार और ये चार सब आएंगे, सम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अब सॉल्व कर लेते हैं हम इसे लेके, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। अब सबसे पहला हमें निकालना पड़ेगा W ऑफ जीरो, तो जब भी हम W ऑफ जीरो निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब W ऑफ जीरो विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड दैट विल बी इक्वल टू, कितने रोज आएंगे, ऑफ कोर्स 6 रोज आएंगे और 6 कॉलम्स आएंगे, सॉरी बिकॉज कितने हमारे पास एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है, 1, 2, 4, 5 and 6। अब कहां कहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हम क्या करेंगे, सिंपली उसको लिख लेंगे। देखो 3, 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4, 2 फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, सॉरी 5, 3 फिफ्थ रो थर्ड कॉलम, 6, 4 बाकी सारे जगह पे क्या आने वाली है वैल्यू हमारी, जीरो होगी, मतलब कंडीशन फेल हो रही है। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और उसके साथ हमारा W ऑफ जीरो। यहां तक तो हमने स्टेप में भी जो स्टेप्स थे उसके अंदर भी अंडरस्टैंड कर लिया था। अब मेन फंडा आता है W1, W2, W3 टिल W6 निकालना। उसको निकालने के लिए मेक श्योर कि अगर आपका W1 निकालना है तो आपका W ऑफ जीरो का होना करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग कर दिया या उसके ऊपर वाला स्टेप ही रॉन्ग कर दिया तो चीजें सॉल्व नहीं होंगी, देयर इज डायरेक्ट डिपेंडेंसी ऑफ जो नीचे वाला स्टेप है उसका ऊपर के साथ। यहाँ पे देखो जब मुझे W ऑफ 1 निकालना है तो मैं क्या निकालूंगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ध्यान में रख के करूंगी, क्योंकि मैं W ऑफ 1 निकाल रही हूँ ना, तो व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये मेरा फर्स्ट रो हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट कॉलम। मुझे क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है। क्या ध्यान दोगे कि 1 कहाँ पे आ रहा है, ये पर्टिकुलर कॉलम में मैं जब देख रही हूँ इन C1 है, इन C1 वी गेट कहाँ पे 1 आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में हमें 1 आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, इन C1 वी गेट R3 इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही इन R1 मतलब कि फर्स्ट रो में कहाँ पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। इन फर्स्ट रो वी गेट नाइदर, मतलब कोई भी हमें नहीं मिल रहा है यहाँ पे 1, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको अवॉइड कर दो, सिर्फ हमारे पास C1 की एक जोड़ी बनी है। तो अब C1 की जोड़ी किससे बनाओगे, कुछ भी नहीं पॉसिबिलिटी होगी, हमारे पास कोई है ही नहीं R1 के लिए। यहाँ पे R1 के लिए हमने देखा तो हमारे पास क्या मिला, नल मिला, 5 मिला, मतलब कि माई W ऑफ 1 विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू W ऑफ 0। क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा W ऑफ 0 से। तो मैं यहाँ पे लिख लेते हैं W ऑफ 1 क्या होगा हमारे पास, एग्जैक्टली ये मैट्रिक्स हो जाएगी जिसको हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6
अगर आप नोटिस करोगे तो थ्री के नीचे जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है सिर्फ वो हमारे पास क्या है, ये देखो डायगोनल नहीं बोल सकते, जितने भी ये वाले हमारे एलिमेंट्स ऐसे जो जा रहे हैं सिर्फ वो वन है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, जीरो ही है। ठीक है, ये हो गया मेरा डब्ल्यू ऑफ वन। डब्ल्यू ऑफ टू के लिए जाते, तो जब डब्ल्यू ऑफ टू के लिए जाऊंगी तो डब्ल्यू ऑफ वन का करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब देखो डब्ल्यू ऑफ टू जब निकालेंगे तो कौन सा रो देखोगे, सेकेंड रो, और कॉलम कौन सा देखोगे, ऑफकोर्स सेकेंड वाला कॉलम। अब देखो इन सी टू, सी टू में देखो वन कहां पे आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रो में, वी गेट आर फोर इज वन। अब आ जाओ आर टू में, मतलब रो में, तो रो में कौन सा एलिमेंट वन है, कोई भी एलिमेंट वन नहीं है, मतलब अगेन ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। सी टू की किसी के साथ जोड़ी ही नहीं बनी, मतलब ये क्या होगा हमारा, डब्ल्यू टू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ वन, सिंपली डब्ल्यू टू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ वन। तो अब हम उसे लिख लेते हैं, W of 2 will be equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर आपने वो मॉड्यूलस वाला सम लेके सॉल्व किया रहता ना तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है एंड काफी अच्छा सम है वो। एक्चुअली आपको 8 मार्क्स के लिए मैक्सिमम टाइमिंग तो वही पूछा जाएगा, जैसे कि अगर 10 मार्क का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसके अंदर थोड़ी थियरी होगी, 2 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन ट्रांसलेटिव क्लोजर बोल देंगे एंड उसके साथ एक्सप्लेन वार्शल एल्गोरिथम विद एन एग्जांपल। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता, आपको एग्जांपल लेके भी सॉल्व करने को बोला जा सकता है। जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो 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 ये हो गया मेरा W of 2। अब चलते हैं W of 3 के ऊपर। W of 3 जाने के लिए हमें क्या करना है, अगेन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट को देखना है। तो जब मैं थर्ड रो में देख रही हूँ इन आर थ्री वी गेट, कहाँ पे आ रहा है देखो वन, हमें कौन सा एलिमेंट पे वन मिल रहा है, सबसे पहला एलिमेंट, मतलब कि फर्स्ट कॉलम एलिमेंट इज वन। नेक्स्ट इन सी थ्री वी गेट, सी थ्री में देखो वन कहाँ पे आ रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब कि आर फाइव जो है हमारा वो कितना है, वन है। अब कैसे जोड़ी बनाओगे, तो जोड़ी बनाना यहाँ पे बहुत सिंपल है, सिंपली आपको जोड़ी बनानी है इन दोनों की, सिंपली जोड़ी बनानी है। सबसे पहला रो आता है देन कॉलम आता है, तो मेरी जोड़ी क्या होने वाली है, आर फाइव सी वन, आर फाइव सी वन, पहले रो हम लिखते हैं और देन उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, आर फाइव सी वन, मतलब फिफ्थ रो में फर्स्ट कॉलम एलिमेंट जो है हमारे पास, फिफ्थ रो देखो कॉलम तो फर्स्ट है, रो कौन सा है, फिफ्थ है, वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब ये जो आप दिख रहे हैं सर्कल जो मैंने किया है ना, वो वाला एलिमेंट क्या होने वाला है, वन में चेंज हो जाएगा, जहां पे जीरो है वहां पे वन हो जाएगा, वन है तो वन ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वन जीरो दिखाई दे रहा है, मतलब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा वन के अंदर, और वो हो जाएगा हमारा डब्ल्यू ऑफ थ्री। तो अब चलते हैं डब्ल्यू ऑफ थ्री निकाल लेते हैं, W of 3 will be equals to 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5C1, ये वाला एलिमेंट। बाकी सब एज इट इज, बाकी सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं W of 4, W of 4 निकालना है, मतलब फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। अब फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम में हम क्या नोटिस कर रहे हैं, इन C4 वी गेट, कहां पे देखो C4 में 1 2 3 4 5 6, वी गेट आर सिक्स की वैल्यू कितनी है, वन। नेक्स्ट आ जाओ इन आर फोर वी गेट, आर फोर में देखो कौन सी वैल्यू वन है, वन टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम जो है हमारा उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, वन है। मतलब मेरा पैर क्या होने वाला है, आर सिक्स कॉमा आर टू जो हमारा रो है, जो एलिमेंट है वो क्या होने वाला है, अब वन है तो वन ही रहेगा, जीरो है तो वन हो जाएगा। आर सिक्स मतलब सिक्स रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, सिक्स रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे देखो ये वाले एलिमेंट की बात कर रही हूँ जो कि कन्वर्ट हो जाएगा वन के अंदर। तो ये होगा हमारा W of 4।
डब्ल्यू ऑफ फोर विल बी इक्वल्स टू जीरो फिर उसके बाद 0 1 0 1 0 0 ये हो जाएगा मेरा W of 4। अब निकालना है हमें W of 5। तो W of 5 निकालने के लिए फिफ्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम, यहाँ पे ये फिफ्थ रो एंड फिफ्थ कॉलम को जब आप देखोगे तो यहाँ पे इन C5 वी गेट, C5 में क्या कौन सी वैल्यू 1 है हमारे पास, कोई भी नहीं, मतलब कि 5 हम लिखते हैं उसको कि कोई भी नहीं है भाई, वैल्यू इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट इन R5 वी गेट, R5 में कहां कहां पे आपको 1 मिल रहा है, देखो R5 में फर्स्ट R1 में मिल, C1 में मिल रहा है एंड C1 C2 एंड दिस इज C3, C3 में हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। अब यहाँ पे आपके पास कोई भी रो नहीं है तो ऑफ कोर्स पेयरिंग नहीं होगी, तो हमारा ये कंप्लीट सेट क्या होगा, एज इट इज इसी का सेम होगा हमारा W ऑफ 5। अब यहाँ पे देखो जब आप मॉड्यूलस वाला कोई या कोई और सम सॉल्व करोगे, सपोज ये तो 5 आ गया इसके लिए ठीक है, अगर ये 5 नहीं होता समझ लो यहाँ पे वैल्यू होती मेरे पास R3 और मेरे पास कॉलम कितने आए C1 एंड C3। अब पेयरिंग कैसे करोगे, हर एक रो को हर एक कॉलम के साथ आपको पेयरिंग करना पड़ेगा, तो ऐसे में फर्स्ट पेयर मेरा ये बनता और सेकंड पेयर मेरा ये बनता, ठीक है। तो इसका ध्यान देना R3 C1 एंड दूसरा क्या होगा R3 C3, ऐसे सिचुएशन। अगर समझो कोई और एग्जाम्पल ले, समझो मेरे पास है R3 R4 एंड R5, नेक्स्ट है C1 C2 एंड C3, समझो ये वाला था, तो पेयरिंग कैसे होगी हमारे पास, यहाँ पे देखो फर्स्ट पेयर R3 के साथ सबका बनेगा, सेकंड पेयर हमारे पास क्या होगा R4 का भी सारे कॉलम्स के साथ बनेगा, इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा इसे वर्क करना है। अगर R5 की बात करूं तो R5 भी क्या होगा एक एक करके C1 के साथ जाएगा, C2 एंड देन C3 के साथ जाएगा, एक एक करके बनाओगे R3 C1 R3 C2 R3 C3, ठीक है। इसका ध्यान देना जब आप सम सॉल्व करोगे, तो अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था तो हमारा वैल्यू ऑफ W ऑफ 5 क्या होगा, सेम ही रहेगा, जानबूझ के साइड साइड में हो रहा है ताकि लिखने में और समझने में इजी पड़े। W ऑफ 5 विल बी इक्वल्स टू, ये मैं 1 2 3 4 5 6 लिख रही हूँ बिकॉज बोर्ड पे हमें रो एंड कॉलम नहीं समझ में आता, जब आप रूल्ड पेजेस पे करते हो एग्जामिनेशन में तो आपको बराबर एक 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 लाइन में एक एक एलिमेंट लिखना। ये हो गया मेरा W of 5। अब W of 6 निकालने के लिए सिक्स्थ रो एंड सिक्स्थ कॉलम, अगेन यहां पे आप नोटिस करोगे तो इन C6 वी गेट 5, कोई भी वैल्यू क्या है हमारी 1 नहीं है। इन R6 वी गेट, R6 में आप नोटिस करोगे तो हमारे पास R2 एंड R4 जो वैल्यू है उसकी कितनी है 1 है, लेकिन ये 5 होने की वजह से कोई भी सॉर्ट ऑफ पेयरिंग यहाँ पे होगी नहीं एंड फाइनली वी गेट हमारा जो W ऑफ 6 है उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एग्जैक्टली यही वाला जो टप और मैट्रिक्स हमें मिला है। हर बार हर स्टेप में आपको मैट्रिक्स को वापस लिखना पड़ेगा, अगर आपने मैट्रिक्स को नहीं लिखा तो मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो
ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब आपको क्या बोला था, सिर्फ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालने बोला था क्या? ऑफ कोर्स नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है। ट्रांजिटिव क्लोजर किसके फॉर्म में होता है, सेट्स के फॉर्म में होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली वी गेट ट्रांजिटिव क्लोजर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एस्ट्रिक्स से, राइट। हम इस हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, विल बी इक्वल टू सेट बना, जहां जहां पे ट्रू है, जहां जहां पे ट्रू है मतलब वैल्यूज कितनी है, वन है, वही आपके सेट आएंगे। और जहां पे सॉरी जहां पे आपका जीरो है वो आप नहीं लिखोगे, बिकॉज वहां पे कंडीशन फेल हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहला विल बी इक्वल्स टू वन, कहाँ आ रहा है यहाँ पे 3,1 पे, दूसरा यहाँ पे दट इज 4,2, तीसरा यहाँ पे 5,1, यहाँ पे 5,3। पहले हम रो लिखते हैं देन हम कॉलम लिखते हैं। यहाँ पे देखो फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम, फिफ्थ रो थर्ड कॉलम, नेक्स्ट सिक्स्थ रो सेकंड कॉलम, सिक्स्थ रो फोर्थ कॉलम, हमारे पास इतने वैल्यूज आएंगे। जब आप मॉड्यूलस वाला देखोगे तो इसका जो हमारा रेसिप्रोकल सॉरी इनवर्स है वो भी आएगा। तो मेक श्योर काफी इजी सा क्वेश्चन है, जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो बस कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है, एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व इट। बस ध्यान कहाँ देना है कि हमारा वॉर्शल का इक्वेशन के वॉर्शल को हम हमारा स्टेप्स कैसे है और हम उसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप एन काउंट करना है। एन काउंट करने के बाद उतने नंबर ऑफ वॉर्शल के आपको मैट्रिक्स मिलेंगे। W ऑफ जीरो कहां से स्टार्ट होगा, ऑफ कोर्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से, जहां पे कंडीशन ट्रू है वहां पे वन, एंड जहां पे फॉल्स है वहां पे जीरो। रिलेशन लिखने में, कंडीशन सेटिस्फाई करने में अगर कोई भी गलती की तो आप सब गलत सॉल्व कर लोगे, ठीक है। पैरेंथेसिस एंड मॉड्यूलस पे बहुत ध्यान देना, अगर पैरेंथेसिस है तो कंडीशन जहां पे ट्रू होगी वही वाला लेना, और अगर मॉड्यूलस है तो उसका इनवर्स भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को हम किसे बोलते हैं, पोस्ट सेट भी बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पे एक्चुअली है क्या, इफ एंड ओनली इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्टिव एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होना पॉसिबल होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, दैट इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को हम कब जनरेट कर सकते हैं, जब वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, जब वो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, एंड वो एंटीसिमेट्रिक भी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस हमने जब टाइप्स ऑफ रिलेशन देखे थे तो हमने स्टडी किया था, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो ही हम उसको कहेंगे कि ये भाई ऑर्डर्ड है हमारा, ठीक है, पार्शियली ऑर्डर्ड। अब इसको डिनोट कैसे करोगे, तो डिनोट करने का वे है हमारे पास, आप पैरेंथेसिस के अंदर ए कॉमा आर लिख दो। ए मतलब कि हमारा जो एक्चुअली नॉन एम्प्टी सेट आपको दिया रहेगा, एंड आर इज हमारा रिलेशन। नेक्स्ट, और हम कैसे लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट ए कॉमा लेस देन इक्वल्स टू वाला साइन। ये लेस देन इक्वल्स टू वाला साइन क्या डिनोट करता है, कि वो पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशनशिप है। मैक्सिमम बुक्स एंड मैक्सिमम चीजों में आप नोटिस करोगे कि हमारा जो ये वाला पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है हम उसी को यूज करते हैं। ये वाला जो दिख रहा है ए कॉमा लेस देन इक्वल्स टू, इसको हम कैसे रीड करेंगे, पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन रीड करेंगे, ठीक है, या फिर पोस्ट सेट भी। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें है, कॉन्सेप्ट जो हमें अंडरस्टैंड करना है, दैट इज कंपेरेबल नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स एंड टोटली ऑर्डर्ड सेट। जब मैं कंपेरेबल बोल रही हूँ, कंपेरेबल हमें साउंड क्या करता है, दैट वी आर कंपेयरिंग, हम कंपेयर कर सकते हैं इसको, इससे कंपेयर कर सकते हैं। आई कैन कंपेयर मैंगो विद एप्पल, विच इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल, बट आई कैन कंपेयर टू टाइप्स ऑफ एप्पल्स। अगर मेरे पास एक कश्मीरी एप्पल है एंड एक आई हैव महाराष्ट्र का एप्पल, समझ लो इट इज एन एप्पल, आई कैन कंपेयर बोथ दिस थिंग, उसके फीचर्स, उसका कलर, उसके टेक्सचर, उसके टेस्ट में मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ। दैट मीन्स इट इज एक्चुअली हमारा कंपेरेबल एलिमेंट्स। अब ये कंपेरेबल एलिमेंट्स की इक्वेशन क्या है, हमने कोई भी एक पोस्ट सेट ले लिया, समझ लो कोई भी एक पार्शियली ऑर्डर सेट ले लिया ए, तो वहां पे जो इसके एलिमेंट्स है उसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ। कैसे, इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, क्या है लेस देन इक्वल्स टू बी, और बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए, कोई भी एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ए शुड बी लेस देन इक्वल्स टू बी या बी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू ए, हमें कंपैरिजन करना है। ये कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड ही आपको बाकी के आगे की चीजें समझेंगे। नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स मींस कोई भी फीचर्स जिसके हम कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे कि इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी नॉर बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए। अगर मैं एक एप्पल और एक मैंगो को कंपेयर करूं तो मुझे कोई भी सिमिलैरिटी दिखाई देगा क्या? नहीं, कलर अलग है, टेक्सचर अलग है, टेस्ट अलग है, शेप अलग है, सारी चीजें अलग है, राइट। तो यहाँ पे हमें वही चीज बता रहा है कि कोई भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। टोटली ऑर्डर्ड सेट को हम क्या कहते हैं, लीनियरली ऑर्डर्ड सेट भी कहते हैं। ये वाला क्या है हमारे पास, इफ
एवरी एलिमेंट इज कंपेरेबल. देखो मैंने शॉर्ट में हर चीज लिखी है ताकि आपको फटाक से रिवाइज हो जाए एंड फटाक से आप क्या कर सकते हो इसके ऊपर थियोरी का क्वेश्चन भी लिख सकते हो. सबसे पहला पॉइंट क्या होगा आपके पास कि पोस्ट सेट हमारा कम सेट होता है, मीन्स वो ट्रांजिटिव होना चाहिए, असिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए और रिफ्लेक्टिव होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. थर्ड पॉइंट हमारे पास टाइप्स आ जा सकते हैं, नॉन रिफ्लेक्ट सॉरी नॉन कंपेरेबल, कंपेरेबल एंड टोटली ऑर्डर्ड. फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके उसको एक्सप्लेन कर दो. यू आर डन विथ योर 5 मार्क्स. काफी इजी से हमारा क्या कहते हैं उसको सेपरेशन है. If every element is comparable, अब totally का ordered बोला है, totally ordered मतलब हम क्या कर सकते हैं completely उसको ordered way में है कि नहीं देख सकते. तो totally ordered कब होगा, जब हर एक element के साथ comparable है. जितने elements आपको दिए गए अगर वो एक दूसरे के साथ हम compare कर पा रहे तो वो क्या हो जाएगा हमारा totally ordered में आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे linearly ordered भी कहेंगे. अब देखो जब मैं partially ऑर्डर पे आ रही हूँ तो हास डायग्राम जो है या जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हम क्या इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं हमारे जो एक्चुअली कंपेरेबल या नॉन कंपेरेबल एलिमेंट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्रामेटिकली. डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है अब सॉरी ग्राफ के हिसाब से अब हमें इसको डायग्राम बना के स्ट्रेट लाइन का जो हम डायग्राम बनाते हैं आपने देखा होगा तो ट्रांजिशन डायग्राम्स वगैरह जैसे होते हैं वैसे हमें यहाँ पे छोटे छोटे डायग्राम्स बनाने. जब हमने स्टडी किया था डायग्राफ अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो डायग्राफ में जैसे हमने नोड्स को रिप्रेजेंट किया था, वर्टेक्स को रिप्रेजेंट किया था डॉट्स से या सर्कल से, उसी हिसाब से हमें हर डायग्राम में भी वो नोड्स को रिप्रेजेंट करना है. तो स्टेप्स देख लेते हैं हमारे पास ड्रॉन फॉर कंसिडरिंग हम क्या कर रहे हैं कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल एलिमेंट्स के लिए कर रहे हैं. दूसरी चीज रूल्स क्या है, रूल्स का हो या स्टेप्स को रूल्स ही कहेंगे हम इसको. सबसे पहला रूल है एलिमेंट्स और वर्टेक्स, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं जो जस्ट कहा हम उसको छोटे डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे लिखाई दे रहा होगा आपको उस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. ऑल लूप्स आर एलिमिनेटेड. जब मैं आपको डायग्राफ की बात कर रही हूँ तो वहां पे एक हमने ये चीज देखी थी, ऐसा हम बार बार ऐसी कुछ कुछ चीजें दिखाते थे. अगर 1,1 है तो मैं क्या करती थी उसको लूप दिखा देती थी, मतलब मैं 1 से 1 पे अटक गई, राइट. तो वो चीज यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है. यहाँ पे ऐसा कोई भी सॉर्ट ऑफ थिंग हम नहीं देखेंगे, कोई भी जो लूप से कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, इफ ए इज इन रिलेशनशिप विद बी, अब यहाँ से ये जो 3 स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों, देखो इफ ए इज इन रिलेशनशिप विद बी और मैं कंपेरेबल, देखो यहाँ पे कंपेरेबल वाली कंडीशन है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, दैट इज कंपेरेबल ऑफ थिंग, देन जॉइन ए एंड बी बाय लाइन. अगर मेरे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अगर मेरे दो जो एलिमेंट्स है वो कंपेरेबल है, मैं इसको इससे कंपेयर कर सकती हूँ, यानी कि मैं क्या करूंगी इसको कनेक्ट कर दूंगी एक स्ट्रेट लाइन से, किससे एक स्ट्रेट सिंपल लाइन से मैं इसको कनेक्ट कर दूंगी. यहाँ पे वही चीज लिखी है, अगर वो कंपेरेबल है तो बी विल बी अबोव द लेवल ऑफ ए. क्यू ऐसा, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, और ऐसे कंडीशन में ए हमारा नीचे आएगा और इसके ऊपर डायगोनली ले लो या जैसा भी लेना है आपको, इसके ऊपर एक लेवल ऊपर, लेवल ऊपर जब मैं आपको कहती हूँ तो फिर आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, अगर ये मेरा लेवल 0 है तो ये लेवल 1, ये लेवल 2, लेवल 3. अगर मेरा यहाँ पे ए है तो इसके ऊपर लेवल 1 पे क्या होने वाला है हमारे पास, बी होने वाला है, बस लेवल बढ़ाते जाना. अगर मैं बी को किसी और से कंपेयर कर रही हूँ तो उसका लेवल बढ़ा के मुझे लेवल 2 पे लिखना पड़ेगा, दैट इज आवर लेवलिंग स्कीम, ठीक है. नेक्स्ट, इफ A is not less than equals to B and B is not less than equals to A, मतलब कि comparable नहीं है. Comparable की condition क्या होती है कि भाई वो condition satisfy नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, non comparable होगा. ऐसे situation में they will lie on the same level, क्या होगा same level पे lie होगा. Same level पे lie होना मतलब अगर समझ लो मेरा A comparable नहीं है B से तो क्या होगा, same level पे आएगा, कोई connectivity भी नहीं दिखा दे, कनेक्शन भी नहीं होगा इन दोनों के बीच में. और फिर उसके बाद अगर समझो बी का सी के साथ कोई वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेम लेवल पे दिखाएंगे, एक ही लेवल पे हम क्या करेंगे डिनोट करेंगे, ठीक है. ये हो गया. अब नेक्स्ट, इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी, देन ज्योमेट्री का कंडीशन, ए इज कंपेयर टू बी, बी इज कंपेयर टू सी, दैट मीन्स आई कैन कंपेयर ए विद सी. जैसे कि ए और बी का दिखा रहे हैं, बी और सी का दिखा रहे हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी दिखा सकते. जब मैं ये दिखा सकती हूँ तो यहाँ पे बीच का इंटरलिंकिंग सोर्स क्या बना हमारा, बी बना. तो बी को एलिमिनेट करके चलेगा क्या, नहीं चलेगा. तो मेरा जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा,
ए से पहले हम बी गए, बी से हम सी गए, एंड देन हमारा ए और सी हम कंपेयर कर सकेंगे। तो इसको हमें इसी हिसाब से दिखाना है, इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी, देन ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी, विच इज रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेड एज ए बी एंड सी को हम डायरेक्ट एक लाइन में दिखा रहे हैं। ठीक है, डू नॉट जॉइन ए डायरेक्टली टू सी, डायरेक्टली ड्रॉ करोगे तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज वी हैव अ बिटवीन वाला चीज, बी जो है वो इंटरलिंकिंग काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ये हमारा कंप्लीट स्टेप्स या रूल्स बनते हैं। अब हम इसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे एक सम के साथ। ड्रॉ हर्ज डायग्राम फॉर द पोसेट, क्या बोला है आपको, पोसेट क्या दिया है, पी ऑफ एस से हम इसको दिखा रहे हैं, विच इज यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, आप चाहे जैसा दिखा दो चलता है, वो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ये दिखाओ या ये दिखाओ चलता है, अगर आप वो ए कॉमा आर भी दिखाना चाहते हो वो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन है, आप चाहे जो मेथड यूज करो। वेयर एस क्या दिया गया है, एस इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ये तो एस है, हमें आर निकालना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा। रिलेशन निकालना मतलब क्या, हमें पार्शली ऑर्डर्ड वे में हम काम कर रहे हैं, मतलब हमें ब्लॉक्स के साथ काम करना पड़ेगा। हम ब्लॉक जनरेट करते हैं जब मैं पार्टीशन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 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 एलिमेंट्स लेंगे। तो मेरा एस क्या हो जाएगा, सबसे पहले फाइव, एक नल कुछ भी नहीं, इसके अलावा और क्या बनेगा, सेट जनरेट करना है सिंपली आपको, हम सेट से रिलेशन बढ़ा है वैसे। एक ए हो जाएगा, इंडिविजुअली आएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम एक एक करके क्लबिंग कर लेते हैं बी सी के साथ और ए सी के साथ, इसके अलावा तीनों एक साथ भी आएगा, तो मेरा ये भी एक कंडीशन हो गया। आपको दिखाई दे रहे नल ए बी सी, ए बी बी सी, ए सी एबीसी, हमारे पास इतनी चीजें आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका हर्ज डायग्राम बनाना है। तो जब भी हम हर्ज डायग्राम बनाते हैं तो हमें सबसे पहली चीज क्या ध्यान देनी है यहाँ पे, कि हमारा जो चीज है उसको कंपेरेबल है नॉट कंपेरेबल है वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट, देखो इसको कैसे लेते हैं पता है, हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो फाइव है उसको ये तीनों के साथ कंपेयर करते हैं, इससे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली मेरा फाइव सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर हो जाएगा, इनडायरेक्टली कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, फाइव को हम कंपेयर करते हैं ए के साथ। ठीक है, जब मैं फाइव को ए के साथ कंपेयर करूंगी तो मैं नोटिस करूंगी फाइव है भाई, फाइव को ए के साथ कंपेयर भी करूंगी तो भाई वो इन किससे कंपेयर कर रहे हो, किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर रहे, मतलब इनडायरेक्टली वो हमारा कंपेरेबल एलिमेंट में आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं फाइव को कंपेयर कर रही हूँ बी से या फाइव को कंपेयर कर रही हूँ सी से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सारे के सारे कंपेरेबल हो जाएंगे, कंपेरेबल एलिमेंट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरा ये भाई इधर कुछ है ही नहीं ना, नल इज नल, कुछ भी नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कंपेरेबल एलिमेंट्स आ जाएंगे। कंपेरेबल एलिमेंट्स मतलब वो एलिमेंट्स जहां पे हम क्या करेंगे, कुछ लोअर होगा कुछ अपर होगा, राइट। यहाँ पे ये हमारा लोअर जाएगा और ये मेरा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, एक लेवल अब वो जो हम कहते हैं चीजों को वो हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉट से पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरा फाइव है, फाइव से एक लेवल ऊपर जाना है। तो फाइव से एक लेवल ऊपर मतलब कि सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे, ए बी, ठीक है, इतना फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरा, इन एलिमेंट्स को इन एलिमेंट्स के साथ देख ले, सबसे पहला एलिमेंट है ए, ए को सारे जो हमारे ये जो दो दो वाले चीज है उसके साथ देख लेते, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं फाइव ऑफ ए सॉरी जो ए है उसको कंपेयर कर रही हूं ए बी के साथ, फिर उसके बाद बी सी के साथ, एंड ए को हम कंपेयर करेंगे ए सी के साथ। कंपेयर करना मतलब हम डायरेक्टली वो एलिमेंट को इधर है कि नहीं वो चेक करो, कंपेयर समथिंग है कि नहीं कि वो चेक करना है, कंपेयर कर पा रहे हो क्या। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यस वो है, मतलब ये मेरा टिक कर देते, ये मेरा कंपेरेबल है, मतलब मैं इसको ज्वाइन कर सकती हूँ। दूसरा, यहाँ पे देखो है क्या कंपेरेबल, यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, तो किससे कंपेयर करोगे, नहीं पॉसिबल है, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। नेक्स्ट ए ए सी, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी वो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या कहती है, कि भाई साहब ये इसके अब हो जाएगा कंपेरेबल है, मतलब ये लेवल के ए के ऊपर ये दोनों चीज जाने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मैं दे रही हूं ए कॉमा बी, ठीक है,
इसको मैं दे रही हूँ बी कॉमा सी और इसको मैं दे रही हूँ ए कॉमा सी। तो ये मेरा ए है, ए क्या कहता है, ए से बी जा रहा है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है थोड़ा टेढ़ा हो गया है इग्नोर करना, ठीक है। दूसरा क्या है, बी से सी नहीं जाएगा तो ये वाला रिलेशन नहीं बनेगा, ए से सी जा रहा है तो हमें क्या करना है, ए से सी भी इसको ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बी वाला, बी को एक एक करके कंपेयर करो। यस, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ए से हम बी से हम कंपेयर कर पा रहे, बी टू सी, यस इधर भी आ रहा है, ए टू सी इसमें आ रहा है, क्या कंपेयर कर पा रहे हो क्या, नहीं, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाएगी। तो बी का कहाँ कहाँ जा रहा है, ए बी के पास जा रहा है और दूसरा बी सी के पास जा रहा है, इस हिसाब से। अब चलते हैं सी वाले पे, सी नहीं कंपेरेबल है, यस यस राइट। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, बी टू सी और दूसरा कहां जा रहा है, ए टू, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए अब हमें दूसरा वाला जो सेट है उसको देखना है। अब दूसरा वाला क्या है हमारे पास, ए बी बी सी ए सी। अब ए, ये सिंगल सिंगल को तो कंपेयर कर लिया, अब बाकी को भी कंपेयर करना है। अब हम क्या करेंगे, ए बी को कंपेयर करेंगे ए बी सी के साथ, ठीक है। तो जब मैं ए बी सी के साथ इसको कंपेयर करूंगी तो ऑफकोर्स ये यहाँ पे लाई कर रहा है, देख रहे हो, ए बी कंपेरेबल है दोनों, इसके इसके अंदर ये जो सेट है हमारा, ये इसके सेट या सेट एलिमेंट्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं, यस। दूसरा बी सी ये आ रहा है क्या, ऑफकोर्स आ रहा है, बी सी आ रहा है तो ये भी हो गया। नेक्स्ट ए सी ये आ रहा है क्या, ऑफ कोर्स आ रहा है, मतलब ये भी आ गया, मतलब ये तीनों एलिमेंट्स क्या है हमारे, कंपेरेबल है और ये एक लेवल, इसके एक लेवल ऊपर जाएंगे। क्यों एक लेवल ऊपर जाएंगे, रीजन ये है कि भाई ये कंपेरेबल है, जब कंपेयर होगा, कंपेरेबल होता है तो हम एक लेवल ऊपर उसको लेके जाते। तो ये मेरा समझो डॉट है ए बी सी का, तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो इससे कंपेरेबल है। तो मेरा डायग्राम कुछ इस हिसाब से, प्लीज वो स्ट्रेट बनाना, मेरा ऐसा थोड़ा सा ऐसा हो गया है, स्ट्रेट बनाने की कोशिश करना। अब दूसरा कंपेरेबिलिटी तो चेक कर ली, अब आप मुझे पूछोगे मैम आपने इसको सेम लेवल पे क्यों बनाया। सेम लेवल पे इसके लिए बनाया क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं ए को बी से कंपेयर करूंगी तो पॉसिबल है क्या, नहीं है। ए यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं, कंपेरेबल नहीं है, मतलब दिस इज नॉन कंपेरेबल, और जब नॉन कंपेरेबल होता है दैट सीज इट लाइज ऑन सेम लेवल, सॉरी इट लाइज ऑन सेम लेवल। अब दूसरा बी टू सी भी आपको समझ में आ जाएगा, ए बी से लेके बी सी को हमने क्यों कंपेयर किया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर ए सी को मैं कंपेयर कर रही हूं बी सी से, समझो इसको मैंने सेम लेवल पे क्यों रखा, माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे नोटिस करो, ए सी बी सी, सी वाला जो एलिमेंट है वो कंपेरेबल है हमारे पास, सॉरी ए सी एंड बी सी। यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये जो ए सी है, यहाँ पे ए सी आ रहा है क्या, सी है, लेकिन ए है क्या हमारे पास, नहीं है, मतलब ऑफकोर्स ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कंपेरेबल हो जाएगा एंड इट विल लाई ऑन सेम लेवल। ये दोनों जितने एलिमेंट है वो क्या होंगे, सेम लेवल पे लाई करेंगे। दूसरा बी सी एंड ए सी, देखो यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे ए सी है, सी आ रहा है लेकिन बी वाला टर्म नहीं है। दूसरा ए बी एंड बी सी, देखो अगर आप ए बी और देखोगे और बी सी देखोगे तो ए यहाँ पे है, यहाँ पे ए नहीं है, भले बी कॉमन है लेकिन ए तो नहीं लाई कर रहा। दोनों जो एलिमेंट है वो वहां पे क्या होने चाहिए, लाई होने चाहिए, इसकी वजह से ये क्या आया हमारा, सेम लेवल पे एलिमेंट्स आ गए। तो जब आप सब एक्चुअली सॉल्व करोगे आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आपको कहाँ से लिखना है पता है, ये जितने स्टेप्स दिख रहे हैं ना आपको, ये हो जाएगा आपका स्टेप वन, क्योंकि आपने सेट रिलेशन बनाया, ये सैंपल्स पूरा रिलेशन बनाया, ये होगा कंपेरेबल। आपको एक एक करके सारे एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करना है, फिर ए लिया बी लिया सी लिया, नेक्स्ट ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है। अब इसके वाइस वर्सा करके मतलब नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी वो चीज तो कर ही दी, ठीक है। यहाँ पे इसको भी दिखा देना नॉन कंपेरेबल, हमने सेम लेवल पे एक दो एग्जांपल लेके बता देना, सारे नहीं लिखे तो भी चलेगा, इसको लिख दो और इसको लिख दो दोनों का, क्योंकि सेम लेवल पे आपने दिखा है इसके लिए। तो ये जितना आपको दिखाई दे रहा है इतना आपको पूरा लिखना है, बस डायग्राम थोड़ा सही से बनाना, मेरा थोड़ा सा इसे स्प्रेड हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं
चेन्स एंड एंटी चेन्स के ऊपर, चेन्स एंड एंटी चेन्स, चेन्स अब बोलू चेन, कंटिन्यूटी चेन, मेरा एक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कंटिन्यूस, जब मैं आपको कह रही हूँ एक से दूसरे को कंपेयर करें, चेन जनरेट करें, इसका कुछ इससे लिंकिंग है, इसका लिंकिंग किसी और से, उसका लिंकिंग किसी और से, तो ये सब लिंकिंग्स जब हम बात करते हैं तो दैट इज आवर चेन, ठीक है। इफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट इज रिलेटेड, एवरी पेयर इज रिलेटेड, एवरी पेयर वी हैव अ थिंग दैट इज कॉमन, सॉरी यहां पर देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, फाइ ए ए बी बी ए बी सी, अगर आप नोटिस करोगे तो फाइ से हम कहां गए ए, ठीक है, ए का हम यहाँ पे देखो नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक लिंकिंग दिखाई दे रही है आपको, कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है ए, यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ए भी है बी भी है, राइट, तो ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी डिफाइन कर रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हर एक जितने भी ब्लॉक्स है हमारे पास, एक ब्लॉक में हम नोटिस करें कि भाई एक चीज कॉमन जा रही है, फिर दो चीज कॉमन जा रही है, कॉमन चीज जा रही है, तो कंटिन्यूअस चेन जनरेट कर रहा है। एंटी चेन मतलब की नो टू, इफ टू, इफ नो टू, ये इफ नो है, हाँ इसको नंबर मत समझना, If no two distinct element and subset are related, कोई भी दो elements जो है या no two elements are related, यहाँ पे देखो example A B C, अगर मैं A B C की बात करूँ तो इसमें कोई relation दिखाई दे रहा है क्या आपको, मतलब A और B comparable है क्या, नहीं है, A से C अगर आप notice करोगे again it does not, we cannot find any two things, right? तो यहाँ पे ऐसे यह होता है हमारा एंटी चेन का। लेंथ ऑफ चेन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे देखो इसमें लेंथ ऑफ चेन की बात करूं तो वन टू थ्री फोर, ये मेरे पास फोर हो जाएगा इसका लेंथ ऑफ चेन, यहाँ पे वन टू एंड थ्री हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ चेन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चेन एंड एंटी चेन, होप सो समझ में आ जाएगा। चेन क्या होगा, अगर मेरा चेन लिंकिंग्स अगर आपको कहीं पे भी दिखाई दे रही है, ए फिर ए बी फिर ए बी सी, ऐसे ही आगे और कुछ भी आ सकते हैं, ए बी सी डी, ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। एंटी चेन मतलब कि क्या होता है हमारे पास, कि हम कोई भी दो चीज रिलेटेड नहीं है, ए है फिर बी है, क्या रिलेशन है, मैंगो एप्पल चीकू में क्या रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, राइट। अगर मैं कश्मीरी मैंगो अल्फांजो मैंगो फिर समझो केसर मैंगो या फिर नॉर्मल रेड मैंगो की बात कर रहे हो, वी कैन कंपेयर, राइट। कुछ कुछ चीजें हमें दिखाई दे रही है कि भाई सब मैंगोज है बट फीचर्स थोड़े थोड़े फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हमें क्या करनी है, अंडरस्टैंड करनी। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ पोसेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना जो चीज है मैक्सिमल मिनिमल ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट, ये ठीक है, ये आप एक बार देख लो, इसके ऊपर नजर मार लो, इतना कुछ नहीं है, बट एक्सप्लेन करने को अगर आया तो आपको लिखना पड़ेगा। बट हमारा जो मेन फोकस होने वाला है, मेन 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 फोकस वो होगा, रेड कर देती हूँ, ये दैट इज लीस्ट अपर बॉन्ड एंड ये ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। अब देखो वर्ड देखने के बाद ये लीस्ट भी है अपर भी है, वहां पे ग्रेटेस्ट और लोअर भी, देखने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या किया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर लो मैंने कोई भी पोस्टेट ले लिया, ए कॉमा पोस्टेट, मैंने कोई भी एक पोस्टेट ले लिया, इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स है, समझो ए बी सी, मैंने उसमें कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, मतलब मेरा एक ए है सेट जिसके अंदर मेरे पास ए बी सी भाई तीन एलिमेंट नॉर्मल। अब मैं क्या कर पा रही हूँ, ए को सी से कंपेयर कर रही हूँ और बी को सी से कंपेयर करो। यहाँ पे देखो इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी एंड सी इज लेस देन इक्वल्स बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी, हम क्या कर रहे हैं, हर कंडीशन में अगर आप नोटिस करोगे तो मेरा जो सी है वो क्या है, बड़ा है। यहाँ पे भी ए से सी को कंपेयर किया, जहां पे ए छोटा है सी बड़ा है, बी से सी को किया, ऑफकोर्स जैसे कि ये वन है अगर आप नोटिस करोगे तो थ्री तो दोनों जगह पे बड़ा ही है ना, तो हमारा जो लोअर अपर बॉन्ड क्या कहता है, ऐसे कंडीशन में हमारा जो सी होगा वो सबसे बड़ा होगा, सच दैट नो अदर डी विल बी लेस देन इक्वल्स टू सी, मतलब कि कोई भी और जो डी है, मतलब कि कोई भी और, अभी इसमें पॉसिबिलिटी है ना कि यहाँ पे मेरे पास डी ई एफ कोई और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, कितने भी एलिमेंट हो सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो वैसे एलिमेंट को, वैसे टर्म को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट को लीस्ट अपर बॉन्ड, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एल यू बी, एल यू बी, लुक आपको जो भी इसको प्रोनाउंस कर रहा है आप कर सकते हो, एल यू बी भी इसको बोलते हैं। कंडीशन क्या है, समझो मेरे पास कोई भी एक पोस्ट सेट है जिसके अंदर ए के एलिमेंट क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एस एल, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है, ठीक है।
अगर आई एम कंपेयरिंग ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी एंड बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी, ऐसे कंडीशन में सी हमारा क्या डिनोट करेगा, ये जो लीस्ट अपर बॉन्ड है, सच दैट देयर शुड बी नो अदर डी, कोई भी और एलिमेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन सी, मतलब कि हमारा जितना भी सबसे बड़ा जो जाने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ सी होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो नो अदर डी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सी, मतलब कि वो सबसे बड़ा होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। अभी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी एल बी से, ग्रेटेस्ट एल फॉर लोअर एंड बी फॉर बॉन्ड। अब समझो मेरे पास कोई भी एक ए है जिसके अंदर के एलिमेंट है ए बी एल, समझो ए बी एल मेरे पास एलिमेंट है उसका। यहाँ पे अब वो क्या कहता है, कंपेरेबल कहाँ दिखाता है, अब लोअर की बात आ रही है तो कुछ छोटी आएगी सबसे एलिमेंट। तो यहाँ पे इफ एल इज लेस देन इक्वल्स टू ए एंड एल इज अगेन लेस देन इक्वल्स टू बी, अब यहाँ पे एल जो होने वाला है वो हमारा सबसे छोटा है, देखो लेस देन जा रहा है, यहाँ पे भी लेस देन जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन था, सच दैट No other L will be less than equals to F. इसका मतलब कि क्या, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उससे सबसे छोटा क्या आने वाला है, हमारा L होने वाला है। तो इस चीज का बहुत ध्यान देना, ये हमारा जो L होगा जब मैं greatest lower bond मतलब कि सबसे छोटा वाला ले रहे, जब मैं least upper bond की बात करूं तो मैं बड़ा वाला बात करूं, मतलब बड़ी वाली जो वैल्यू होगी उससे बात करूं, वैल्यू नहीं यहाँ पे कंडीशन जो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट में सबसे छोटा वाला जाएगा और लोअर बॉन्ड वाले में, लोअर अपर बॉन्ड में सबसे बड़ा वाला जाएगा। इसको हम सुप्रीमम भी बोलते हैं, इफ यू वांट अनदर टर्म तो वो भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, और इसको मिनिमम। अब देखते हैं लेटेस, अब ये वाला टर्म में हमें यूज करना है जो हमने जस्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया। देखो यहाँ पे एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हैज, इसके अंदर का डेफिनेशन जो अगर डेफिनेशन की बात करूं, एवरी पेयर क्या बोला है, एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट हैव एल यू बी एंड जी एल बी, एवरी पेयर में क्या होगा, एल यू बी होगा एंड जी एल बी होगा, मतलब कि क्या है, लोअर अपर बॉन्ड एंड ग्रेटर लोअर बॉन्ड। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम जब एल यू बी की बात करेंगे तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, और लॉजिक याद करो, लॉजिक में हमने एंड एंड और पढ़ा था, ये और होता है ये एंड होता है, राइट, वही यहाँ पे भी हमें यूज करना है। जब मैं एल यू बी की बात करूंगी तो हम और यूज करेंगे, देखो एल यू बी, यू आता है, यू के बाद क्या आता है वी, ऐसे याद रखो, यू के बाद क्या आएगा वी, तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और से रिप्रेजेंट करेंगे, और को हम यहाँ पे ज्वाइन कहते हैं, और का साइन है वो, यहाँ पे हम उसे क्या कहते हैं ज्वाइन कहते हैं। किसको कंपेयर कर रहे हो, ए एंड बी को कंपेयर कर रहे हो, राइट, यहाँ पे ए और बी, और नहीं, ए ज्वाइन बी एल यू बी को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एल यू बी ए कॉमा बी, किसको कर रहे हैं, अगर मैं सी एंड डी को कर रही हूं तो एल यू बी ऑफ सी कॉमा डी विल बी इक्वल्स टू सी ज्वाइन डी, इस हिसाब से, ठीक है। अब एल जी एल बी की बात कर लेते, जी एल बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड से, और यूज हो गया तो उसके बाद तो एंड ही आने वाला है, तो एंड मतलब कि यहाँ पे हम क्या करें, मीट, मीट कर रहे हैं, इसको हम क्या रीड करेंगे, मीट, दो एलिमेंट को मीट, अगर ए एंड बी है तो मैं कैसे करूंगी, ए मीट बी, ठीक है, ए मीट बी, एंड वाला जो साइन है हमारा वो, तो अगर मैं सी एंड डी की बात करूं तो सी एंड डी, एंड नहीं मीट डी, रीड करते टाइम हमें देखो आदत है, लॉजिक की लॉजिकली आदत है हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको एंड एंड और करके रीड करने वाले, जिसको हम क्या कहेंगे एक्चुअली ज्वाइन एंड मीट कहेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ लेटेस्ट, अब यहाँ पे थोड़े से कंडीशंस है हमारे पास, यहाँ पे देखो बॉन्डेड है हमारे पास और सब लेटेस है, डिस्ट्रीब्यूटिव है एंड कॉम्प्लीमेंट है। अब ये चीजों को समझना पड़ेगा, बॉन्डेड मतलब कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट जितना होने वाला है वो क्या होगा, वन होगा, एंड लीस्ट एलिमेंट जो होगा हमारे पास वो जीरो होने वाला है। जब मैं कंप्लीट एक सेट दूंगी आपको तो उसके अंदर जो ग्रेटेस्ट होगा सबसे बड़ा वो क्या होने वाला है, वन होने वाला है, लीस्ट जो होने वाला है वो जीरो होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सब लेटेस की बात करें तो इफ एल वन इटसेल्फ लेटेस विथ रिस्पेक्ट टू एल, अब ये देख लेते हैं, सबसे पहले तो लेटेस का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, हम जब लेटेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे सबसे पहले हम ब्रैकेट पैरेंथेसिस डालते हैं, देन लेटेस का एल लिखते हैं, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे जॉइन एंड देन लिखेंगे मीट, ये होता है हमारा एक्चुअली लेटेस का रिप्रेजेंटेशन, जहां पे सबसे पहले एल देन जॉइन हमारा जो हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एल यू बी लुक, एंड देन हमारा जो ये एंड जिसको हम कहते हैं मीट,
और ये क्या होगा हमारा जीएलबी, मतलब ये लोअर अपर बॉन्ड और ये हमारा हो जाएगा ग्रेटर लोअर बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब लेटर्स की जब हम बात करते हैं तो L1 itself lattice with respect to L, ये itself lattice होता है with respect to L के साथ। फिर distributive जो है हमारा उसके अंदर क्या होता है, distributive जब मैं बात कर रही हूँ तो हमने लॉ भी पढ़ा था distributive का, अगर मेरे पास कोई भी एक चीज है A और B and C तो हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करके इसको कैसे लिखेंगे, A और B एंड दूसरा क्या आएगा A और C, राइट, हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव का लॉ। और वही चीज हमारा उल्टा अगर एंड के साथ लिख रही हूँ तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, हमारा जो LUB होता है वो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 एंड जो ये होता है हमारा GLB जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, मतलब कि जो लोवेस्ट वैल्यू होगी उसको हम 0 देंगे और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसको हम क्या देंगे 1 देंगे। फंडा यहाँ पे उल्टा है, जब मैं LUB की बात करती हूँ तो हम ग्रेटेस्ट वैल्यू देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे 1 हो जाएगा। जब मैं GLB की बात करती हूँ तो वहां पे हम क्या देखते हैं, लोवेस्ट वैल्यू जो होती है उसको हम क्या दे देंगे 0 देंगे, दैट इज आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में कॉम्प्लीमेंट है, एसोसिएटिव एंड अब्सॉर्प्शन है, हमने अगेन ये हमने मैक्स में देखा है। तो जब मैं क्यूमुलेटिव बोलती हूँ, सॉरी क्यूमुलेटिव जब बोलती हूँ तो हम क्या करते हैं, A एंड B है अगर मेरे पास तो क्यूमुलेटिव मतलब कि B एंड A में इसको लिख सकती हूँ, दैट इज मीन उल्टा करके लिख सकते हो आप, दैट इज द थिंग। अगर और के साथ लिखूं तो वही चीज, एसोसिएटिव मतलब कि वो जो ब्रैकेट्स होते हैं पैरेंथेसिस होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्या कर सकती हूँ इन दोनों को क्लब कर सकती हूँ, यहाँ पे एसोसिएटिव नेचर को जनरेट करता है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब कि क्या होता है, अगर ए एंड ए और बी है तो ऐसे सिचुएशन में कुछ भी जो है हमारा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, बचा गया ए। तो ये कुछ हमारे प्रॉपर्टीज है जो हम लाइक अगर पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो सम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट ए बी द सेट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, हमारे पास क्या है सेट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 15, 15 के क्या क्या फैक्टर्स है मैक्स हमने पढ़ा है, 15 के क्या क्या फैक्टर्स है याद करो, तो ए विल बी इक्वल टू क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो 1 आएगा एंड एक इटसेल्फ आएगा, फैक्टर इतना था हमने कहता है। और 15 किसके किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, दैट्स ऑल, और किसी के टेबल में 15 नहीं आता है, राइट। देन एंड आर बी द रिलेशनशिप ऑफ ए सच दैट, आर क्या है हमारा रिलेशनशिप है, अब रिलेशनशिप तो इससे कई सारी बन सकती है, कौन सी बनेगी, 1,3, 1,5, 1,1, दूसरा क्या बनेगा 1,15, इसके अलावा 3,5, 3,15, 5,5, 3,3, और क्या बनेगा 5,15 एंड 15,15। अब ये नॉर्मल पूरा रिलेशन हो गया, अब कंडीशन कहाँ कहाँ पे सेटिस्फाई होती है, कंडीशन क्या कहता है, x डिवाइड्स y, इन दोनों में भी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, तो इन दोनों में भी निकालने के लिए ऑफ कोर्स ये डिविजिबल होगा हमारा, लेकिन और फिर उसके बाद ये नहीं ये नहीं ये भी ये भी ये भी, ठीक है, इसके बाद ये है क्या नहीं ये है ये है, तो हमारे पास कितने वैल्यूज आने वाली है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं फाइनल रिलेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, 1,1, 1,3, 1,5 एंड 1,15, नेक्स्ट 3,3 आएगा, 3,15 आएगा, नेक्स्ट है हमारे पास 5,5, नेक्स्ट है 5,15 और लास्ट है 15,15, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स आ गए। अब यहाँ पे कोई कोई हैश डायग्राम भी आपको पूछता है तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो, कंपेरेबल है कि नहीं देखो, कंपेरेबिलिटी चेक करो और उसके बाद क्या करोगे, जो कंपेरेबल है वो एक एक लेवल ऊपर होते जाएगा। तो अगर इसके हैश डायग्राम की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से 1,3,5,15 इस हिसाब से आपको कुछ दिखाई देगा वो, बिकॉज हम क्या करें कंपेरेबिलिटी जब चेक करते हैं तो वो क्या करता है एक एक लेवल ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब मेन फंडा है हमें निकालना है जॉइन और मीट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मीट निकालते हैं, मीट निकालने के पीछे का रीजन, मीट क्या होता है, जब मैं मीट की बात कर रही हूं तो मीट होता है हमारा एंड एंड इज जी एल बी, हमें क्या निकालना है लोवेस्ट वैल्यू देखनी, क्या देखनी है लोवेस्ट वैल्यू देखनी है, बिकॉज ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ठीक है। जब मैं एंड लिखूंगी तो सारे वैल्यूज लिख लो, 1,3,5 एंड 15, यहाँ पे भी क्या है 1,3,5 एंड 15, टेबल में ही करना नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखना है कि बॉन्ड यहाँ पे
15 से भी आएगा। अब देखो यहाँ पे वन से वन हम जा रहे हैं, वन से वन हम सबसे छोटा क्या होने वाला है, ऑफकोर्स वन ही होगा। वन से थ्री में हमारा सबसे छोटा वन ही बचेगा। वन से फाइव, फर्स्ट डायग्राम में देखना, वन से फाइव ऑफकोर्स वन, वन से फिफ्टीन सबसे छोटा क्या है वन। नेक्स्ट थ्री से वन, जब मैं थ्री से वन आऊंगी तो अगेन सबसे छोटा क्या होने वाला है हमारे पास वन। थ्री से थ्री, अब थ्री से थ्री जब जाऊंगी तो ऑफकोर्स सबसे छोटा क्या होने वाला है थ्री ही होगा। थ्री से फाइव, थ्री से फाइव के बीच में कोई बॉन्डिंग है क्या हमारे पास थ्री से फाइव? ये देखो थ्री और फाइव इन दोनों आंखें कहां पे मीट हो रहे हैं, सबसे छोटे एलिमेंट में, दैट इज वन। थ्री से फिफ्टीन सबसे छोटा थ्री में आ रहा है। नेक्स्ट फाइव से वन, फाइव से वन सबसे छोटा वन। फाइव से थ्री, फाइव एंड थ्री, फाइव से थ्री में सबसे छोटा क्या है वन। फाइव एंड फाइव में सबसे छोटा फाइव। नेक्स्ट फाइव एंड फिफ्टीन में फाइव। नेक्स्ट फिफ्टीन एंड वन, फिफ्टीन एंड वन में सबसे छोटा है वन। 15 एंड 3 में 3, 15 एंड 5 में 5, एंड 15 एंड 15 अब इटसेल्फ में 15 में कितना जाएगा, ऑफ कोर्स 15 ही जाने वाला है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग ग्रेट लोवेस्ट वाले पे, दैट इज जॉइन, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, और हम निकाल रहे हैं LUB। इसको निकालते टाइम हम क्या देखेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू, और 1, 3, 5, 15, 1, 3, 5 एंड 15। अब देखो यहाँ पे वन से वन में हमें देखना है ग्रेटेस्ट, वन से वन में ग्रेटेस्ट वन ही होगा। वन एंड थ्री में ग्रेटेस्ट थ्री, वन एंड फाइव में ग्रेटेस्ट होगा फाइव, वन एंड फिफ्टीन में ग्रेटेस्ट फिफ्टीन, थ्री एंड वन, थ्री एंड वन में ग्रेटेस्ट थ्री, थ्री एंड थ्री, थ्री एंड थ्री इटसेल्फ में ग्रेटेस्ट कितना होने वाला है थ्री ही होगा। नेक्स्ट थ्री एंड फाइव, थ्री एंड फाइव में ग्रेटेस्ट कौन सा है, यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट में कौन सा आएगा फिफ्टीन। थ्री एंड फिफ्टीन, 3 एंड 15 में ग्रेटेस्ट अगेन 15। 5 एंड 1, 5 एंड 1 में ग्रेटेस्ट होने वाला है 5। 5 एंड 3 में ग्रेटेस्ट 15। फिर 5 एंड 5 में 5, 5 एंड 15 में 15। 15 एंड 1, 15 एंड 1 में 15, 15 एंड 3 में 15, इसमें भी 15 एंड इटसेल्फ में भी 15 ही जाएगा। तो हमारा जो ये पर्टिकुलर एंड एंड जॉइन जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज के साथ, जहां पे आपने क्या लिखा, टेबल बनाया। बस आपको हैश डायग्राम जब आप बनाओगे तो उस पर बहुत ध्यान देना है, फिर उसके बाद आप जॉइनिंग जिस हिसाब से आपकी जाए आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें निकाल सकते हो। बस इसको देखो जॉइन कहाँ पे जा रहा है, जब आप LUB में जाएंगे तो अपर में देखना, मतलब हाइएस्ट देखना, और जब आप GLB में आओगे तो लोएस्ट में देखना, नीचे वाले में देखना, ठीक है। तो हमारा इस हिसाब से ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, एंड हमारा जो रिलेशन वाला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ अब हम किस पे जाएंगे, फंक्शंस में जाएंगे, और फंक्शंस के ढेर सारे सम्स देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, प्लीज स्टे ट्यून्ड। आपको अगला वीडियो जो है हमारा फंक्शन का वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा, विद इन फ्यू आवर्स, एंड आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी। कोई भी प्रॉब्लम है तो मेक श्योर कि आप कमेंट करो, उसको हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।